ओके सो हे गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आप वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करने वाला हूँ, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा हमेशा की तरह। तो आप सिंपली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज के इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी को दे दिया, तो आप सिंपली वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड इसके बाद गाइस, आप सभी को यहाँ पे अपने सिंपली मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेना कुछ इस टाइप से। एंड गाइस, मॉडल कटआउट मैंने पहले से ही कर रखा है, जिसको कटआउट करना नहीं आता एच डी क्वालिटी में, मैंने सिंपली उस पर एकदम मतलब ईजी तरीके से वीडियो बना रखी है। तो आप सभी को उसको डाउनलोड सॉरी इसको देख लेना है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो उसके बाद आप सबको अब क्या करना है, आप सबको जाना है ऐसे इस क्रैक वाले पी एन जी को ले लेना है, ठीक है। तो इसको पी एन जी को आप सभी को कैसे ऐड करना है मैं आप सभी को बताता हूँ। तो पहले तो गाइस, आप सबको कुछ इस टाइप से आप सबको इस पी एन जी को यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है। फेस पे आप चाहो तो कहीं पे भी लगा सकते हो, ठीक है। सेम करने की जरूरत नहीं, आपकी मर्जी, आप जैसा चाहो वैसा लगा सकते हो। एंड इसका जो ब्लेंडिंग मोड है, आप सभी को फिर इसका कर देना है वो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर देने के बाद आप सभी इरेजर टूल में जाना है। इरेजर टूल में जाने के बाद गाइस, आप सभी को थोड़ा थोड़ा इरेज कर लेना है ऊपर से, ठीक है, इतना इतना कर लेना है। एंड जो थोड़ा नीचे की साइड से इधर से भी आपको थोड़ा बहुत इतना इरेज कर लेना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आपको थोड़ा गाइस इसको थोड़ा सा इसका साइज जो है थोड़ा बड़ा कर लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तो उसके बाद जो है आप सबको फिर क्या करना है थोड़ा, फिर उसके बाद आप सबको भी यहाँ पे डन नहीं करना है, क्योंकि अभी हमें दूसरा पी एन जी भी लेना है। तो इस वाले पी एन जी को ले लेंगे हम क्रैक, दूसरे वाला जो है। उसको लेने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, सॉरी गाइस ये थोड़ा नीचे की तरफ चला गया, तो उसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे फोटो को जूम कर लेंगे। एंड इसके बाद ये वाला पी एन जी हमारा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे हम जो है इसको थोड़ा कुछ इस टाइप से रोटेट करेंगे। इसको हम आई के पास से कुछ इस टाइप से जोड़ के, मतलब आई के पास से ऐसे रख के बीच में से कुछ इस टाइप से लगा देंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो है आप सभी को उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। उसके बाद जाएंगे हम ब्लेंड में, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखिएगा इसका काफ़ी अच्छा लुक आया इसमें। तो उसके बाद आपसे फिर क्या करना है, आप सोच ले जाना इरेजर टूल में। एंड गाइस, हार्डनेस को फुल कर देना है यहाँ पे। एंड उसके बाद आपसे कुछ इस टाइप से इरेज कर देना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड नीचे से कुछ इस टाइप से, ठीक है, ऐसे इरेज कर देना है। एंड उसके बाद आपसे फिर क्या करना है गाइस, आपको जो दूसरे वाला था गाइस, पहले तो मैं इसको नीचे की तरफ कर देता हूँ, ठीक है। तो उसकी ओपेसिटी कम नहीं करनी है हमें, इसको फुल रखना है। तो मैं पहले इसको डाउन कर देता हूँ ताकि वो जो दूसरा पिन जो ऊपर आ जाए। तो उसको ये देखिए गाइस ऊपर आ गया। तो उसकी ओपेसिटी हम पहले यहाँ कम कर लेंगे, ठीक है, थोड़ी सी ओपेसिटी। एंड इसका डुप्लीकेट करके हम कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे हमारा ये, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे हम इसका एक डुप्लीकेट और कर लेंगे। एंड डुप्लीकेट करने के बाद इसकी ओपेसिटी फुल कर लेंगे। एंड उसके बाद हम आपके हैंड में अगर गाइस आपने करो अगर कोई आधी बाजू की अगर कोई टी शर्ट वगैरह कुछ पहनी हो, तो आपको कुछ उस टाइप से आप सबको पूरे हैंड पे भी लगा लेना है, जहाँ जहाँ पे आपको अच्छा लगे यार। और इनके में थोड़ा सा मतलब कि इतना ही हिस्सा था, तो मैंने इसके लिए हैंड पे बस इतना ही लगाया है, ठीक है। उतना ही मैं लगा रहा हूँ, आपके पास अगर जगह हो तो आप और भी जगह लगा सकते हो, ठीक है। तो उसका डन करेंगे हम यहाँ पे। एंड उसके बाद गाइस जाएंगे हम दोबारा ऐड फोटो में। एंड यहाँ पे हम इस वाले पी एन जी को ले लेंगे खड़ा होकर, ठीक है। तो इस पी एन जी को पहले मैं यहाँ पे रोटेट कर लूँगा। रोटेट करने के बाद मैं इस कुछ इस टाइप से यहाँ पे जो पी एन जी को है इसमें कुछ इस टाइप से इधर लगा दूंगा, ठीक है। तो आप सभी को भी कुछ इस टाइप से लगा देना है। एंड उसके बाद गाइस जो इसकी शेडो है आप सभी को कैसे लगानी है, आप सभी को उसको आपको पहले जाना है ऐसे इसके तो पहले देना ब्राइटनेस को कम कर लेना है एडजस्ट में जाकर, ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड उसके बाद यहाँ पे आप सभी को कर देना है, इसके बाद जाना आप सभी को यहाँ से ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे शेडो का पी एन जी ले लेना है, ठीक है। तो शेडो का पी एन जी भी आप सभी को मिल जाएगा गाइस डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो इसको भी आप डाउनलोड कर लेना। एंड उसके बाद गाइस आपसे कोई शेडो का जो पी एन जी है, पहले मैं फोटो को जूम कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे शेडो का जो पी एन जी है आपको कुछ इस टाइप से लगा लेना है, फोटो को जूम करना है कुछ इस टाइप से लगा लेना है। एंड उसके बाद जो है गाइस आपसे फिर करना है इसका डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। तो पहले हम इसको यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेंगे। एंड उसके बाद जो है गाइस उसको हम दूसरे पैर के पास ले जाएंगे कुछ इस टाइप से। एंड इसको भी कर देंगे हम डाउन। एंड गाइस देखिए हमारे पास हमारी फोटो जो है काफ़ी परफेक्ट लग रही है। तो सॉरी गाइस ये क्राउ जो है हमारा थोड़ा छोटा हो गया, तो उसको क्या कर लेंगे हम कुछ इस टाइप से बड़ा कर लेंगे कुछ इस टाइप से अच्छे तरीके से, बिल्कुल, ठीक है। तो आप सभी को कुछ इस टाइप से लगाना है अपने क्राउ को। एंड उसके बाद आप सभी को सिंपली यहाँ से डन कर देना है, ठीक है। तो थोड़ा सा और साइज बड़ा कर लेता हूँ मैं इसका यहाँ पे। एंड उसके बाद गाइस हम यहाँ पे इसको कर लेंगे डन, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सबको एक लास्ट पी एन जी लगाना है पार्टिकल्स का। तो उसके लिए क्या करेंगे वहाँ से ऐड फोटो में चल के इसको ले लेंगे। एंड उसका गाइस जो ब्लेंडिंग मोड है उसको हम कर देंगे स्क्रीन। एंड उसके बाद गाइस हम इसको फुल स्क्रीन कर देंगे कुछ इस टाइप से। एंड गाइस इसको जो इरेजर टूल में जाएंगे, इसको जो फेस के ऊपर से हम इसको फेस फेस से इरेज कर देंगे, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सबको फिर डन कर देना है। एंड इसकी जो ओपेसिटी कम कर लेनी है एंड डन कर देंगे। एंड उसके बाद इस फोटो को यहाँ पर हम सेव कर लेंगे। एंड उसको लेकर चलेंगे हम इसको लाइट रूम मैप के अंदर। तो बस फाइनली हमारे ये लाइट रूम मैप में आ चुका है फोटो। तो उसके बाद हम जाएंगे इस लाइट वाले ऑप्शन में, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे, हाईलाइट्स को भी हम थोड़ा सा कम कर देंगे। एंड शेडो जो है इसको हम थोड़ा बढ़ा देंगे। एंड जो व्हाइट है इसको हम थोड़ा कम कर देंगे, जो ब्लैक है इसको भी हम थोड़ा कम कर देंगे। उसके बाद जाएंगे कलर्स वाले ऑप्शन में, वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद जाएंगे मिक्स टूल में, ऑरेंज कलर को सेलेक्ट करेंगे, सैचुरेशन को माइनस कर देंगे। फिर येलो कलर को लेंगे, इसके सैचुरेशन माइनस कर देंगे, ठीक है, इतना कर देंगे। एंड उसके बाद हम जाएंगे ब्लू कलर में, इसका जो ह्यू है माइनस कर देंगे। एंड जो डार्क ब्लू है इसका ह्यू माइनस कर देंगे, सैचुरेशन प्लस कर देंगे। एंड यहाँ से डन कर देंगे। एंड उसके बाद जाएंगे हम नीचे वाले टूल में,
फोटो की जो क्लियरिटी हम इसको बढ़ा देंगे एंड उसके बाद जो विगनेट हल्का सा डाल देंगे एंड उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे ग्रेन आउट पे लेकर उसको बढ़ा देंगे एंड उसके बाद कैसे जाएंगे नीचे वाले टूल में फोटो की जो शार्पनेस उसको बढ़ा देंगे एंड जो नॉइज डिडक्शन हम इसको बढ़ा देंगे एंड जो कलर नॉइज डिडक्शन हम इसको भी बढ़ा देंगे। ठीक है तो गाइस फाइनली जो हमारी फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना क्योंकि आप सभी के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि यार मैं जो वीडियो डालूँ उसकी अपडेट आप सभी को मिलती है। तो चलिए गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।